पिछले वीडियो में हमने इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में बात किया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कर्तन में विकृति ऊर्जा। तो कर्तन में विकृति ऊर्जा में हम एक छड़ का टुकड़ा लेते हैं जिसकी लंबाई L, ऊंचाई A या मोटाई A और चौड़ाई स्मॉल b होती है, ठीक है। इस टुकड़े का निचला सिरा फिक्स करते हैं क्योंकि हमें कर्तन बल उत्पन्न करना है। तो कर्तन बल, पहले कर्तन बल किसे कहते हैं कि एक समांतर बल जो परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत हो, उसे हम कर्तन बल कहते हैं। तो हमारा निचला सिरा पर निचला सिरा फिक्स है और ऊपरी सिरे पर हम बल लगा रहे हैं F, तो ये x डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको हटाते हैं F बल को, तो ये निचले सिरे पर लगा बल, निचला सिरा जो फिक्स है उस पर लगा बल इसको पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस ला देगी, ठीक है। तो कर्तन बल किसे कहते हैं कि एक समांतर बल जो दिशा में विपरीत हो लेकिन परिमाण में बराबर, उस बल को हम कर्तन बल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक टुकड़ा है, टुकड़ा की लंबाई L, मोटाई स्मॉल a तथा चौड़ाई स्मॉल b है। इसकी ऊपरी सिरे पर हम क्या कर रहे हैं, F बल लगा रहे हैं और निचला सिरा को फिक्स कर रहे हैं। तो F बल लगाने से इसमें फाई की, फाई एंगल की विकृति उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और इस पर जो बल लग रहा है, ठीक है, इस बल के कारण फाई की विकृति हो रही है, जिससे कि ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, इसकी लंबाई में कितनी परिवर्तन हो जा रही है, एक्स की परिवर्तन हो जा रही है, ठीक है। तो टुकड़े में फाई कर्तन विकृति उत्पन्न होती है तथा बल की दिशा में जो विस्थापन होती है वो एक्स होती है, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये प्रत्यास्थ सीमा के अंदर लगती है, ठीक है। और इस पर जो बल लग रहा है वो धीरे धीरे लग रहा है, इसलिए धीरे धीरे लग रहा है, इसलिए इसको, इस पर हम क्या लेंगे, औसत बल लेंगे। क्यों? क्योंकि जब फिक्स है वहाँ पर बल जीरो और जो ऊपरी वाला सिरा है बिल्कुल ऊपर, वहाँ पर बल का मान बढ़ते बढ़ते एक हो जाता है, इसलिए टुकड़ों पर जो बल लग रहा है वो मानते हैं कि धीरे धीरे बल लग रहा है, इसलिए जो बल लेंगे हम औसत बल लेंगे। तो वो बल हमारा कितना होगा, जीरो प्लस एफ बाई टू बराबर एफ बाई टू, ठीक है। तो टुकड़े और इस बल के कारण, ये बल कर्तन बल है, तो इसमें विकृति जो आएगी वो कर्तन विकृति आएगी। तो कर्तन विकृति हमारे क्या है, फाई है। और इस कर्तन विकृति के कारण जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है, ठीक है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य तो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल हमारा कितना है, F बाई टू, और विस्थापन कितना है, x, ठीक है। और यही विस्थापन किए गए कार्य के रूप में संचित हो रहा है, तो यही विस्थापन हमारा संचित ऊर्जा के रूप में, संचित ऊर्जा हो रहा है, और यही संचित ऊर्जा हमारा क्या होता है, विकृति ऊर्जा होती है। तो विकृति ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, तो विकृति ऊर्जा को कैपिटल यू से डोनेट करते हैं, तो कैपिटल यू बराबर एफ बाई टू इंटू में एक्स, ये हमारा क्या है, विकृति ऊर्जा है, ठीक है। तो हमारी विकृति ऊर्जा यू बराबर हाफ एफ एक्स इंटू समीकरण नंबर एक हुआ, ठीक है। तो यदि हम ऊपरी सतह की बात करें तो बल F, ऊपरी सतह वो बल F है, ठीक है। तो इस बल के कारण ऊपरी सतह में माना जाए कि कर्तन प्रतिबल Q उत्पन्न होता है, तो इस बल F बराबर, जो ऊपर ऊपरी सतह बल लग रहा है वो F बराबर कितना हो जाएगा, बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर कर्तन प्रतिबल या प्रतिबल गुणे में क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो प्रतिबल है वो कर्तन के कारण है, तो कर्तन प्रतिबल गुणे किस सतह पे लग रहा है, ऊपरी सतह पर, तो ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो कर्तन प्रतिबल को माना गया Q, और हम डिनोट भी करते हैं कर्तन प्रतिबल को Q से, तो Q गुणे में B इंटू L। B क्या है, ऊपरी सतह का चौड़ाई, और L क्या है, ऊपरी सतह की लंबाई। तो ऊपरी सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बी एल। तो एफ बराबर एफ का मान कितना हो जाएगा, क्यू बी एल। इसे समीकरण नंबर दो कर लेते हैं। कर्तन विकृति क
कर्तन विकृति, कर्तन विकृति को माना गया है फाई, फाई बराबर क्या होता है लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई ये है और परिवर्तन कितना आ रहा है, लंबाई में परिवर्तन कितना आ रहा है x की, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा फाई इंटू ए, ठीक है, फाई इंटू ए, x बराबर क्या हो जाएगा फाई इंटू में ए, ठीक। लेकिन सूत्र से यदि टुकड़े का कर्तन मापांक कैपिटल जी हो तो, कैपिटल जी हो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हुक के नियम से, फाई बराबर हो जाता है प्रतिबल बटा में कर्तन मापांक, या जी बराबर कितना होता है कर्तन मापांक बराबर कर्तन प्रतिबल बटे में कर्तन विकृति, ठीक है। तो फाई बराबर क्यू बाई जी, ठीक। तो इसका, इस फाई का मान यहां पे रख दे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको समीकरण नंबर तीन कर लेते हैं। तो फाई का मान समीकरण तीन में रखने पर फाई का मान समीकरण तीन में रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा q इंटू में a अपॉन g, ठीक है। अब इस x की वैल्यू उठा के समीकरण एक में रख देंगे और इस f की वैल्यू निकाल के समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर चार कर लें, तो समीकरण दो और चार का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में f तथा x की वैल्यू रखने पर, या समीकरण दो और चार का मान समीकरण एक में रखने पर, तो हमारा u बराबर क्या आ जाएगा समीकरण एक में रखेंगे, तो u बराबर हाफ इंटू में f की वैल्यू रखेंगे तो q b l, इंटू में x की वैल्यू रखेंगे तो q इंटू a अपॉन जी, ठीक। तो हल कर दे तो ये क्यू मतलब हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू में ए बी एल। ए क्या है हमारा टुकड़े की मोटाई, बी क्या है टुकड़े की चौड़ाई, और एल क्या है हमारा टुकड़े का लंबाई। तो टुकड़े का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, तो ए बी एल बराबर क्या है हमारा टुकड़े का आयतन। तो कर्तन में विकृति ऊर्जा यू बराबर कितना हो जाएगा हाफ या क्यू स्क्वायर अपॉन 2g इंटू में टुकड़े का आयतन, यही ऊर्जा हमारा क्या है कर्तन में जो उत्पन्न विकृति ऊर्जा है वो कितनी होगी हमारा q स्क्वायर अपॉन 2g गुणे टुकड़े का आयतन होगी, ठीक है। इसी यही ऊर्जा किया गया कार्य के रूप में संचित हो जाती है, और जब हम F को हटाते हैं तो इसी ऊर्जा के कारण पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। शर्त ये होना चाहिए कि ये कहाँ होना चाहिए, इलास्टिक सीमा के अंदर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आयतन विकृति में विकृति ऊर्जा, नेक्स्ट वीडियो में आयतन विकृति में विकृति ऊर्जा, ठीक है।